जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग लग्जमबर्ग सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिनों के अंदर जा सकते हो, और सिर्फ आपका जो वीज़ा का टोटल खर्चा होगा वो होगा सिर्फ 8,000 रुपये। यानी सिर्फ 15 दिनों के अंदर सिर्फ 8,000 रुपये खर्चे में आप लग्जमबर्ग मूव हो सकते हो। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल से साबित होने वाली है भाई, जो लोग लग्जमबर्ग जाना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि हम भाई कम से कम पैसों में लग्जमबर्ग मूव हो जाए और वहाँ पर जाकर हम जो है काम करें या स्टडी करें या भाई हम वहाँ पर हमेशा के लिए रहना शुरू कर दें। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ये वीडियो साबित होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, और वीडियो एंड तक देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के ज़रिए आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगी और किस तरह से आप लोग लग्जमबर्ग मूव हो सकते हो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप लोगों को, और कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के मेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। तो वैसे तो लग्जमबर्ग के अलग अलग टाइप्स के वीज़ा होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, लग्जमबर्ग का स्टडी वीज़ा होता है, लग्जमबर्ग का डी टाइप का वीज़ा होता है, और लग्जमबर्ग का एक बिजनेस वीज़ा भी होता है। बिजनेस वीज़ा भी लेकर आप लग्जमबर्ग जा सकते हो, बट वहाँ पर आपको अगर ये वीज़ा लेना है तो पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा, यानी आपके पास में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। आप वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप बिजनेस वीज़ा के बेस पर भी वहाँ पर मूव हो सकते हो। तो आज के वीडियो में जिस वीज़ा के ऊपर बना रहा हूँ, ये जो वीज़ा होता है ये होता है लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ और सिर्फ आपको 8,000 रुपये मिल सकता है, और सिर्फ 15 दिनों का वीज़ा प्रोसेस होता है। 15 दिनों में आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा मिल जाएगा, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एजेंसी बताने वाला हूँ जो प्रोसेस करवाती है लग्जमबर्ग के लिए सारा प्रोसेस आपका। बट लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे आप इस एजेंसी के थ्रू लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा लें, चाहे आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करके लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा लें। ऐसे डॉक्यूमेंट है जो ज़रूर आपके पास में होने चाहिए। तो ये जो एजेंसी आपको लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा जो दिलवाएगी, वो 6 मंथ की वैलिडिटी का रहता है, और इस वीज़ा के अंदर आप 3 मंथ तक स्टे कर सकते हो लग्जमबर्ग में। तो लग्जमबर्ग का अगर टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल जाता है एंड आप वहाँ पर अगर जॉब फाइंड कर लेते हो, तो आप जो इसको वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट करा सकते हो। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इस एजेंसी में सेंड करने होंगे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाना चाहते हो लग्जमबर्ग। और ये जो एजेंसी, इसका नाम क्या है, कहाँ इनका ऑफिस है, क्या इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, और आपके जो पासपोर्ट पर है लगभग 3 पेजेस ब्लैंक होना चाहिए, यानी वाइट होना चाहिए, जिस पर आपको जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे वीज़ा मिल जाए, वीज़ा आपका लग जाए। देन आपका जो पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की होनी चाहिए। 6 मंथ की आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिनका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और आपके पासपोर्ट साइज़ पर जो है सर्कल नहीं होना चाहिए, यानी बॉर्डर नहीं होना चाहिए। आपके जो पासपोर्ट साइज हो, मस्ट कलर फ़ोटो होने चाहिए, कलर पिक्चर होनी चाहिए, देन बैकग्राउंड वाइट हो, और आपके फ़ोटो पर कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। देन जो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका ITR, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एजेंसी है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको उनको सेंड करना होंगे। देन आपका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो खुद करवा देंगे आपको, और कुछ भागदौड़ी नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट उनको सेंड करना है। एंड जो आपकी ये अपॉइंटमेंट रहेगी, जो आपका वीज़ा प्रोसेस रहेगा, वो सारा का सारा काम आपका एजेंसी करा के देगी, सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट उनको सेंड करना है, देन आपका पूरा प्रोसेस वो करवाएंगे। तो 2 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी। तीसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो यही है कि आपके पास होना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न, कम से कम 2 से 3 साल का आपके पास होना चाहिए, यानी ITR। अगर आपके पास में नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, किसी लॉयर से बात कीजिए, अपना ITR बनवाएं अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेकर। तो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक बैलेंस, यानी आपको अपना 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का बैंक बैलेंस भी शो करना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, कि हमारे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारा अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए ताकि हमें लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए।
तो आपके पास में जो पैसा होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए, ठीक है, 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए रहेंगे तो बेस्ट है आपको जो वीज़ा मिल जाएगा। तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल कर रखिए और लगभग 6 महीने का आपको स्टेटमेंट। उसके बाद जो है आपको एक कवर लेटर लिखना होगा और जो कवर लेटर है उसमें आपको अपना जॉब प्रोफाइल लिखना होगा, आप क्या जॉब करते हैं, कितना अर्न करते हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो क्या बिजनेस करते हैं और आपका पर्पस क्या है लग्जमबर्ग जाने का, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मेंशन करनी होगी। एंड इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, लग्जमबर्ग गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको एजेंसी में सेंड करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या रहेगा, आपको अपनी जॉब प्रोफाइल मेंशन करनी होगी, जॉब क्या करते हैं, जॉब नहीं करते तो बिज़नेस क्या करते हैं, बिज़नेस नहीं करते हैं तो ऑनलाइन क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, एड्रेस और आपके जो और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं कि एजुकेशन क्या है, एवरीथिंग आपको प्रॉपरली मेंशन करना होता है और किस रीज़न से आप लग्जमबर्ग जा रहे हैं और सारी चीज़ों में प्रॉपरली आपको मेंशन करनी होती है। हमारे डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद में आपको जो है करनी होगी अपनी फ़्लाइट की रिजर्वेशन, आपको फ़्लाइट अपनी बुक करनी होगी इंडिया से लग्जमबर्ग की, लग्जमबर्ग से इंडिया की वापसी की, ये आपको फ़्लाइट बुक करनी है और वो फ़्लाइट जो बुक करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ करना होगा एजेंसी में सेंड। इसके बाद में आ जाता है आपका रिजर्वेशन, आपका जो है होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन यानी 2 से 3 दिन की आप होटल बुकिंग ज़रूर करेंगे जब भी ये एप्लीकेशन करेंगे आप वीज़ा लग्जमबर्ग का, तो 2 से 3 दिन की होटल बुकिंग आपको करनी है, उसके बाद आपको एजेंसी में अपना होटल रिजर्वेशन का प्रूफ सेंड करना है। जब जो है आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, हाँ भाई अब मुझे वीज़ा अप्लाई करना ही है और मुझे लग्जमबर्ग जाना है टूरिस्ट वीज़ा लेकर, ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। उसके बाद में एक जो लास्ट डे एडवाइजरी का, यानी अब भाई कितने दिन वहाँ पर रुकने वाले हैं, क्या आपका प्लान है, किस किस जगह पर आप विजिट करेंगे, तो एक तरह से एक कवर लेटर होता है उसमें आपको सारा अपना प्लान मेंशन करना होता है कि भाई कि मैं 15 तारीख को यहाँ से इंडिया से जा रहा हूँ लग्जमबर्ग, 16 तारीख में मैं वहाँ जाऊँगा, 17 तारीख में मैं उस सिटी में विज़िट करने वाला हूँ, 18 तारीख में मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ, 19 तारीख में मैं सिर्फ सिनेमा में बैठ कर मूवी देखने वाला हूँ, ए टू जेड आपको उसमें मेंशन करना होता है सारी चीज़ें और किस डेट को आप वापस आएंगे वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो एक वो आपको जो है कवर लेटर सा बनाकर भी सेंड करना होगा एजेंसी में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है भाई जो आपको रेडी करके जो है अपने एजेंसी में सेंड करने हैं और आपको जो है लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा ये एजेंसी दिलवा देगी, सिर्फ 8,000 रुपये की फ़ीस लेगी और 10 से 15 दिनों में ये लग्जमबर्ग का आपको भाई एक वीज़ा दिलवा देंगे, तो काफ़ी अच्छा चांस है। बट उन सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो कम एजुकेटेड है, देखिए जो कम एजुकेटेड है वो ट्राई ना करें, जो ठीक ठाक एजुकेटेड है जिनके पास थोड़ा ठीक ठाक बैलेंस है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लग्जमबर्ग आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। बहुत सारे हमारे जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो वहाँ पर गए हैं और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एज ए टूरिस्ट जाते हैं बाद में वहाँ पर जॉब फाइंड कर लेते हैं और वहाँ पर अपना सेटल हो जाते हैं। तो अगर लग्जमबर्ग जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा भी आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अभी मैं एजेंसी बता रहा हूँ, जिस एजेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस एजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई 8,000 रुपये में आपको ये लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा दिलवा देंगे और ये आपको जो है BFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट भी सब इसमें इंक्लूड रहता है, आपको कोई हाथ पैर नहीं फैलाने हैं, मतलब कुछ काम नहीं करने, सिर्फ डॉक्यूमेंट रेडी करके इनको सेंड करने हैं, आपका प्रोसेस करवा देंगे। तो इस एजेंसी का जो नाम है वो है अकबर ट्रेवल, आप गूगल पर जाकर डायरेक्टली सर्च करेंगे akbartravels.com तो आपको इनका जो है वेबसाइट मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाकर आप जो है इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, ईमेल आईडी भी, व्हाट्सएप नंबर भी, डायरेक्टली आपको कॉल करना है। कॉल कब करना है, 10 बजे के बाद करना है, शाम को 6 बजे से पहले करना है। कॉल कीजिए, डायरेक्टली मालूम कीजिए कि सर ऐसे ऐसे मुझे लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है और क्या मैं टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पर जाकर कन्वर्ट भी करा सकता हूँ नहीं करा सकता, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। बट देखिए एजेंसी अच्छी है और मैं अभी लास्ट ईयर जब दुबई गया था मैंने इनके यहाँ से अपना वीज़ा लगवाया था, मैंने पासपोर्ट सेंड कर दिया था, पेमेंट को ऑनलाइन कर दिया था और इन्होंने मुझे लगभग 1 हफ्ते में वीज़ा दे दिया था, 1 वीक में मेरा वीज़ा आ गया था ये दुबई का और दुबई मैंने इनके थ्रू वीज़ा लिया था। तो अच्छी एजेंसी है, कोई फेक एजेंसी नहीं है, आप
निश्चिंत होकर अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। बाकी लग्जमबर्ग अच्छी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, शेंगेन कंट्री का पार्ट है। और अभी जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा भाई, बहुत सारी वीडियोज़ बन रही है लग्जमबर्ग कंट्री के ऊपर, बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सभी लोगों को। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं भाई जो बता रहे कि अभी जो ऑलरेडी मतलब लग्जमबर्ग में भाई कोई बंदा काम कर रहा है तो वो यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर रहा है कि यार मतलब अभी यूट्यूब पर सब ने ये फैला दे कि लग्जमबर्ग आओ, बट वहाँ पर जॉब नहीं है या वहाँ पर जाऊँगे तो परेशान हो जाऊँगे। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसा ही बोल रहे कि लग्जमबर्ग के नाम पर स्कैम किया जा रहा है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, देखिए ये एक तरह से मैं आपको बताऊँ कि वीडियोज़ ही होती हैं जिनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो आपको पर डिपेंड है भाई आप लग्जमबर्ग जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, माल्टा जाओ, लिथुआनिया जाओ, एक तरह से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है कि हाँ भाई इस कंट्री के अगर आप लोग इस कंट्री जाएंगे इतना पैसा अर्न कर सकते हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, ये वीज़ा आपको मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं आप लोगों के साथ भाई गलत चीज़ों को शेयर किया जाता है। तो लग्जमबर्ग जाना है आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर भी जा सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कल फॉलो कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वीज़ा रिगार्डिंग एंड जॉब रिगार्डिंग। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद है आपसे वीडियो को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब।